दोस्तों, आज सुबह मैंने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि आपके अकॉर्डिंग आरआरबी जेई सीबीटी 1 की सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट कौन सी है। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उस पर वोट किया और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि ऐसी कौन कौन सी शिफ्टें थी जो उनको टफ़ लगें। साथ में उन लोगों ने रीज़न भी बताया। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बताया कि उनकी वाली शिफ्ट के अंदर लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके के क्वेश्चन टॉपिक से हटके पूछे जा रहे थे, तो बहुत सारे रीजंस उन लोगों ने बताए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुल मिला के ऐसी 12 शिफ्टें बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा टफ रहीं आपके लिए, उस पोल के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको केवल 12 शिफ्टों के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा टफ थी, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन 12 शिफ्टों के बाद जितनी भी शिफ्टें बच गई वो ईजी रही होंगी, तो नहीं। उसमें से हो सकता है कुछ शिफ्ट ऐसी हों जो इजी टू मॉडरेट हों, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी भी ज़रूर होंगी जो मॉडरेट लेवल की होंगी। तो दोस्तों, इन पर तो हम बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल इन टफ शिफ्टों के बारे में। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग इन सभी शिफ्टों के नॉर्मलाइजेशन में लगभग 10 से 15 मार्क्स आसानी से बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 नंबर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं 20 से 25 नंबर बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि रेलवे ने काफ़ी मेंटेन करके रखा था अपनी सारी शिफ्टों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होने दिया था शिफ्टों के बीच में। भले से टफ़ क्वेश्चंस डाल दिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 10 से 15 नंबर आसानी से बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम यहाँ पर सारी की सारी 12 शिफ्टों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहली शिफ्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये पहली शिफ्ट वो है जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है। सब लोगों ने बताया कि ये शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ रही होगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस थे, ठीक है, हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। तो दोस्तों, ये पहली शिफ्ट मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखा है, ये थी 31 मई, ठीक है, 31 मई की सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। ये जो शिफ्ट है इस पर बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा है, तो ये सबसे पहले नंबर पर हो गई। दूसरे नंबर की बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पर ही 31 मई की थर्ड शिफ्ट आती है, यानी कि थर्ड शिफ्ट पर भी बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा कि सर, ये वाली जो शिफ्ट है ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट थी। बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर 2 जून, ठीक है, यहाँ पर वैसे मैं आपको सीरियल वाइज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी शिफ्ट पर ज़्यादा कमेंट है उस हिसाब से मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, वोटिंग के हिसाब से। तो 2 जून की यहाँ पर है पहली शिफ्ट, 2 जून की फर्स्ट शिफ्ट। इसके बारे में तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा बताया है कि इसके अंदर लेंथी क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन थे जिनको पढ़ने में बहुत टाइम बर्बाद हो रहा था, साथ में डिफ़िकल्ट थे, ठीक है, क्वेश्चन हो भी नहीं पा रहे थे। तो ये वाली शिफ्ट भी काफ़ी टफ पूछी गई थी। चौथे नंबर की बात करते हैं, तो चौथे नंबर पर आपका आता है 30 मई की सेकेंड शिफ्ट, 30 मई सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो पांचवें नंबर पर आपकी 30 मई की ही एक शिफ्ट आती है जो है थर्ड शिफ्ट, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो लास्ट के जितने भी दिन थे उन लास्ट के सभी दिनों में मोस्टली सभी शिफ्टें थोड़ी सी लेंदी कर दी गई थी, थोड़ी सी उनमें टफ क्वेश्चंस डाल दिए गए थे। तो जहाँ तक भी है, अगर आपका लास्ट की किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ जाएंगे। 10 से 15 अगर ना भी बढ़ें तो 7 से 8 नंबर तो आसानी से बढ़ जाएंगे अगर आपका पेपर लास्ट की शिफ्ट में हुआ है तो। शुरू की भी कुछ शिफ्टें हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा जो काफ़ी लेंदी रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर छठे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो छठे नंबर पर यहाँ है आपकी 29 मई की सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, 29 मई की सेकेंड शिफ्ट। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसके अंदर मैंने सारी शिफ्टों के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैंने आपको ये 29 मई की जो सेकेंड शिफ्ट है ये मैंने खुद आपको बहुत ज़्यादा टफ बताई थी। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये वाली शिफ्ट आपकी टफ थी। सातवें नंबर पर बात करते हैं, तो सातवें नंबर पर है आपकी 1 जून की थर्ड शिफ्ट, 1 जून की थर्ड शिफ्ट, ठीक है ना। अब इस शिफ्ट के बारे में बहुत लोगों ने कमेंट करके कुछ कुछ बताया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बताया। लोगों ने कहा कि इसकी जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ थी, यानी मैथ के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस जितने भी थे उनके अंदर कैलकुलेशन वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, पॉइंटों में चली जा रही थी, ठीक है। तो ये बताया है इसके बारे में। आठवें नंबर पर बात करते हैं कि आठवें नंबर पर कौन सी शिफ्ट है। तो आठवें नंबर पर आपकी है 23 मई की थर्ड शिफ्ट, ठीक है, 23 मई की थर्ड शिफ्ट।
चलिए, इसके अंदर भी कैलकुलेशन टफ पूछी गई थी, काफी सारे स्टूडेंट ने बताया। तो ये साइड वाला जो लिखा हुआ है रेड पेन से, इसको मैं मिटा रहा हूँ। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नौवे नंबर पर कौन सी शिफ्ट आती है। तो नौवे नंबर पर है आपकी 29 मई की ही एक शिफ्ट है, 29 मई सेकंड शिफ्ट की हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 29 मई की फर्स्ट शिफ्ट को काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा टफ बताया है। तो 29 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो भी आपकी टफ रही होगी। उसके बाद बात करते हैं दसवें नंबर पर कौन सी है। तो दसवें नंबर पर है आपकी 26 मई की एक शिफ्ट, 26 मई सेकेंड शिफ्ट, ठीक है ना। 26 मई की सेकेंड शिफ्ट को भी टफ बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं 11वें नंबर की। तो 11वें नंबर पर है 28 मई की एक शिफ्ट, जो है 28 मई की सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। तो जनरली अगर मैं सिंपली आपसे बात करूं कि अगर आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम हुआ और अगर आपका एग्ज़ाम लास्ट वाली शिफ्ट में है, यानी फर्स्ट शिफ्ट के चांसेस थोड़े से कम थे टफ होने के, लेकिन जो सेकेंड शिफ्ट है और जो थर्ड शिफ्ट है उनके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं टफ होने के, ठीक है। तो आप यहाँ पर चाहे देख सकते हैं कि सभी में सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट, यहाँ पर फर्स्ट आ गया है, बाकी सेकेंड थर्ड थर्ड, यहाँ पर फर्स्ट है लेकिन यहाँ पर सेकेंड और सेकेंड, यानी जनरली सभी दिन की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी वो लेंथी कर देते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 12वीं और सबसे लास्ट की शिफ्ट यहां पर है 22 मई, और 22 मई का आपको पता है केवल दो शिफ्टों में एग्जाम कराया गया था, 22 मई की पहली शिफ्ट और 22 मई की दूसरी शिफ्ट। तो यहां पर 22 मई की जो दूसरी शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ पूछे गए थे, लेंदी पूछे गए थे। तो दोस्तों ये 12 शिफ्टें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके पोल के अकॉर्डिंग और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपकी ये 12 शिफ्टें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी थी, इनके अंदर क्वेश्चन टफ पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपके 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो शिफ्टें बच जाती हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो और बना के रखी हुई है, ठीक है, वो आप लोगों ने शायद देखी है या नहीं देखी, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जा करके देख लेना। उसके अंदर मैंने सारी की सारी शिफ्टों के बारे में बताया है, लेकिन उसके अंदर मैंने कुछ शिफ्ट ऐसी थी जो थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, मैंने उनको इजी बता दिया। तो आप ये वाली वीडियो उसके साथ मिक्स कर देना, यानी यहाँ पर जो जो शिफ्ट मैंने 12 की 12 बताई हैं वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। बाकी आप जितनी भी शिफ्टें बच जाती हैं वो आप वहाँ से जा करके उस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन 12 शिफ्टों के अलावा जो शिफ्टें बच गई वो ईजी थी, तो मॉडरेट भी हो सकती हैं, ठीक है। उनके भी क्वेश्चन, और नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादातर चांस होते हैं क्वेश्चन मार्क्स बढ़ने के, यानी 90% आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कीजिए कि आपके यहाँ पर अगर शिफ्ट के इन शिफ्टों के अंदर है तो 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं, और अगर इन शिफ्ट के अंदर नहीं है तब भी आपके 5 से 10 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और ये चीज़ जानना ज़रूरी क्यों है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि ये बिना वजह की वीडियो ना बनाऊं, तो देखिए इसके लिए जानना ज़रूरी आपके लिए इसलिए है क्योंकि अगर आप अभी से CBT 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे वहाँ जा करके। इस बार हो सकता है आपका स्कोर थोड़ा कम रह गया हो, लेकिन CBT 2 में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो कब करोगे, जब आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। और अगर आपको यही नहीं पता कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप थोड़े कन्फ्यूज़न में हैं, तो सिर्फ आपकी मैं कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। हो सकता है इन शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ हो और आपके जो क्वेश्चन हैं वो कम अटैम्प्ट हुए हों, आपके जो रो मार्क्स हैं वो थोड़े कम आ रहे हों, लेकिन इस चीज़ से आप घबराइए मत, ठीक है। ये शिफ्ट ऐसी थी जो थोड़ी टफ लेवल की थी, तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होने के बाद चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप पढ़ाई में बिल्कुल भी लेट मत करो, ठीक है, क्योंकि आप बिना वजह घर पर अगर खाली बैठे हो तो बिल्कुल पढ़ते रहो, और अगर NTPC की तैयारी कर रहे हो तो साथ में वो भी करते रहो, ठीक है ना। तो चलिए, अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए, जय हिंद।